हरे कृष्णा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवद गीता सरल रूप में जो हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं इस्कॉन साउथ बेंगलुरु की तरफ से, उसी के दूसरे सत्र में। तो कल हमने देखा था भगवद गीता का कुछ परिचय लिया था हमने, तो हम उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या सीखा था। तो रिकैप करने के पहले जो कल हमने कुछ विषयों पर चर्चा की थी, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप चैट में उसका उत्तर दे सकते हैं या फिर आप अनम्यूट करके भी उसका उत्तर दे सकते हैं। तो हमने भगवद गीता के परिचय में देखा था कि काफी सारे तथ्य देखे थे, तो कुछ तथ्य आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ। तो भगवद गीता में कुल कुल कितने अध्याय हैं, आप लोग टाइप कर सकते हैं या कुछ अनम्यूट करके बता भी सकते हैं। कितने चैप्टर्स हैं भगवद गीता के अंदर? 18 चैप्टर। हाँ बिल्कुल सही, सभी ने सही जवाब दिया है। टाइप चैट में भी सबने लिखा है, महेश्वरी माता जी, पूनम माता जी और पूर्वेश प्रभु ने सही लिखा है। और इसके अलावा भगवत गीता में कितने श्लोक हैं बता सकते हैं? 700 700। सही जवाब, पुरुषोत्तम प्रभु ने बताया और चैट में भी सभी ने बताया सही जवाब। और भगवद गीता के जो रचयिता है कौन है वो? भगवद गीता किन्होंने लिखी? व्यास देव, पूर्वेश प्रभु ने बताया, महेश्वरी माता जी ने बताया, बिल्कुल सही। और लगभग भगवद गीता कितने साल पहले बोली गई थी इस धरती पे? सही है, हाँ लगभग पता है। 5180 साल पहले। 5000 साल भी सही, एक एस्टिमेटेड आंसर हो सकते हैं, बिल्कुल सही। और यानी कल आप लोगों ने काफी ध्यान से पूरा सत्र सुना। और सबसे पहले भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान के पहले भी, सबसे पहले भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने किनको दिया था? विवस्वान, हाँ सही, सूर्यदेव को, विवस्वान सूर्यदेव का नाम। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप लोगों ने इतने अच्छे से दिया है, इससे पता चलता है कि आप लोगों ने काफी ध्यान से कल का सत्र सुना और आज का सत्र भी आप उतने ही ध्यान से सुनिए। तो हम कल का एक छोटा सा रिकैप लेंगे कि कल हमने और क्या क्या सीखा था। तो हमने जो मुख्य चीज सीखी थी वो है कि भगवद गीता आध्यात्म सिखाती है। भगवद गीता हमको हमारी असली जो पहचान है, आत्मा की पहचान, वो हमको भगवत गीता बताती है। तो जब भगवान अर्जुन को अपना उपदेश देना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला चीज भगवान जो बताते हैं वो यही बताते हैं कि तुम ये शरीर नहीं, आत्मा हो। सबसे पहला ज्ञान ये देते हैं, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता रहेगा कि हमें शरीर के अलावा भी कुछ है, तब हम स्पिरिचुअल विजन में नहीं जा सकते। तब हमारी सोच को हम आध्यात्मिक सोच में नहीं बदल सकते, जब तक हमको हमारे खुद के एक आत्मा होने का पता ना चले। तो भगवत गीता हमें आध्यात्म का ज्ञान देती है और हमको ये भी बताती है कि जो जीवित प्राणी है वो आध्यात्मिक है, दे आर स्पिरिचुअल। हम ये शरीर ना होके जीवात्मा है और हम आध्यात्मिक हैं। हम भी सच्चिदानंद है, जिस प्रकार भगवान सच्चिदानंद है उसी प्रकार जीव भी सच्चिदानंद है। लेकिन यहाँ इस भौतिक जगत में माया में फंस के जीव के ऊपर एक कवरिंग सा हो गया है, मोह में पड़ गया है और वो अपनी असली पहचान को भूल गया है। जब वो अपनी असली पहचान को जान लेता है और भगवान से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तो जीव इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा हमने देखा कि शारीरिक और आध्यात्मिक समझ, यानी बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ जो है, जो आजकल का मॉडर्न सोसाइटी में बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ हो गया है, कि मनुष्य समझता है कि मैं इस शरीर हूँ और इससे अधिक कुछ नहीं, और जैसे ही शरीर खत्म हुआ सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो इसलिए इस शरीर के रहते रहते मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो मुझे कर लेना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक समझ हमको इससे ऊपर उठ के सोचने का समझ देती है कि हम एक जीवात्मा है और हमारा असली कर्तव्य क्या है, इस जीवन में हमारा असली एम क्या है, हमारा गोल क्या है। तो जब ये सब हम समझ लेते हैं, उसके बाद अब समय है कि हम आत्मा को पोषण दें। इस शरीर के पोषण के लिए हम खाना खाते हैं, तरह तरह के व्यंजन खाते हैं,
उसमें हम देखते हैं किसमें हमको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, उस तरह का भोजन खाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आत्मा को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आत्मा के लिए क्या जरूरी है वो हम एक तरह से भूल गए हैं। तो आत्मा को पोषण देने के लिए क्या है, आध्यात्मिक चीजें हैं, जिस तरह मंत्र का जाप है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से मंत्र का जाप है जिससे हमारी आत्मा को संतोष मिलता है, हम भगवान से जुड़ सकते हैं। उसके अलावा हम भगवान की तरह तरह से सेवा कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति बताई है, नौ तरह से जो भक्ति कर सकते हैं। उसमें मुख्य है स्मरण, भगवान का स्मरण करना, भगवान का कीर्तन करना, और श्रवण करना यानी शास्त्रों को सुनना, इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें जो हम आगे डिटेल में समझेंगे। अभी इस रिकैप के लिए हम इतना ही समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक जो गतिविधियां हैं उससे हमारी आत्मा को पोषण मिलता है और हमारी कॉन्शियसनेस जो लेवल है वो ऊपर जाता है। जिस तरह से हम सोच सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे एक आदमी के पास एक तोता है। अब वो तोता जो है उसने एक सोने के पिंजरे में रखा है, लेकिन वो तोते को महत्व देने से ज्यादा उसके पिंजरे को महत्व देता है, क्योंकि सोने का पिंजरा है, वो उसको रोज उसके ऊपर की धूल हटाता है, उसको पॉलिश करता है, उसको साफ रखता है पूरा, लेकिन तोते पे ध्यान नहीं देता, तोते को खाना भी नहीं देता, तो क्या होगा, थोड़े दिन के बाद में वो तोता मर जाएगा क्योंकि उसको पोषण नहीं मिल रहा है। यही हालत हमारा भी है, हम बाहर के आवरण को, इस बॉडी को इतना ज्यादा अटेंशन देते हैं। बॉडी को अटेंशन देना चाहिए क्योंकि अगर हमें भक्ति भी करनी है तो हमको स्वस्थ शरीर चाहिए, लेकिन अब हम पूरा अटेंशन अगर सिर्फ बॉडी के ऊपर ही रखें और आत्मा को कोई पोषण ना देंगे तो हमारा यहाँ से जो इस दुनिया से हम भौतिक जगत में ही अटक के रह जाएंगे, क्योंकि आत्मा एक तरह से फिर सो जाएगी। तो हमको आत्मा को दोबारा से एक तरह से जगाना है अपनी आत्मा को, और भगवान से हमारा संबंध दोबारा स्थापित करना है। तो आत्मा को पोषण देने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियां बहुत जरूरी हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है भगवद गीता के जो पांच मुख्य विषय हम पढ़ने वाले हैं, उसमें से पहला विषय है ईश्वर। हाँ, तो आप में से कोई ये बता सकता है कि भगवद गीता में पांच जो मुख्य विषय है, वस्तु है, वो कौन कौन सी है? वो भी कल हमने पढ़ा था ईश्वर, जीव, जी, ईश्वर कर्म, जी, कर्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, जी, काल और कर्म। काल, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ये पांच मुख्य विषय वस्तु हैं, और इन पांचों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, यही भगवद गीता में बताया गया है। किस तरह से प्रकृति के गुणों में पढ़ के जीव कार्य करते हैं और ईश्वर से अपने संबंध को भूलते जा रहे हैं, और इस संबंध को स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भगवद गीता में इसके बारे में बताया गया है। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, आज हम ये सीखने ये जा रहे हैं कि परमेश्वर कौन है और उनसे हमारा क्या संबंध है। हमारा जो संबंध परमेश्वर के साथ है वो शाश्वत है, और उस संबंध को दोबारा स्थापित करने के लिए हम क्या करना चाहिए। तो जब हम इस पूरे प्रकृति को देखते हैं तो आप देखेंगे जो छोटे से छोटा एक अणु है, परमाणु है, उसके अंदर की जो आप रचना देखेंगे कि किस तरह से, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है वो तो अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनके उनके एक पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करते हैं। वो पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी में ज्यादा, ऐसा पूरा एक सिस्टम बना हुआ है उसका, एक पूरा उनके जो गतिविधियां, उसको पढ़ने का एक पूरा विषय को इस केमिस्ट्री नाम दे दिया गया है। तो इतना उसमें रूल्स फॉलो होता है। वहीं पे आप देखेंगे कि किस तरह से एक शिशु माता के गर्भ में बड़ा होता है, कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। सूक्ष्म रूप में जो जीवाणु है उनके अंदर भी बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है। हमारा जो मनुष्य शरीर है वो कितना अद्भुत है, एक अच्छे से अच्छी मशीन से भी अच्छा है आप देखेंगे तो। हमारा ब्रेन कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और उसी तरह से हम अगर और बड़े लेवल पे जाते जाएंगे तो ब्रह्मांड देखेंगे, तो ब्रह्मांड में कितनी अद्भुत वस्तुएं हैं और किस तरह से सारे ग्रह एक पर्टिकुलर लॉ फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलो करते हैं, और भी फिजिक्स के बहुत सारे लॉस फॉलो करते हैं। लेकिन
ये सब किस तरह से चल रहा है, तो इसके सबके पीछे कौन है, रहस्यमय जो ब्रह्मांड है हमारा पूरा, इसमें एक एक चीज बहुत रहस्यमय है, तो उस पूरा रहस्यमय ब्रह्मांड के पीछे चलाने वाला कौन सी शक्ति है, ये जानने का प्रयास करेंगे आज। तो भगवान कौन है, ये बहुत पुराना एक प्रश्न है, प्राचीन काल से बहुत सारे ऋषि मुनि योगी इस प्रश्न का उत्तर जानने में लगे कि भगवान कौन है, किस तरह से उनकी खोज की जा सकती है, और कई लोगों ने हमारे शास्त्रों को फॉलो करके अपने गोल को पूरा भी किया है, अपने लक्ष्य को पूरा किया है। तो भगवान कौन है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल होना चाहिए हमारे जीवन का। तो जो हम इतना अच्छा सुंदर संसार देखते हैं और जिसमें हर चीज एक अपने सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जैसे आप नदियों को देखेंगे उनका एक सिस्टम है, हमारे जो पृथ्वी के ऑर्बिट है, जो उसके सीजन्स हैं, या यहाँ पे जो भी हम पशु पक्षियों को देखते हैं, उन सबका आप जब देखेंगे किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, तो एक बहुत ही सिस्टम बना हुआ हर चीज का। तो इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कौन करता है और रखा हुआ कौन करता है, मेंटेनेंस आप देखेंगे कि अपने घर में एक छोटी सी चीज भी हम रखते हैं, एक वॉशिंग मशीन ही रहे तो उसका मेंटेनेंस बहुत लगता है, हम कार लेते हैं या एक बाइक लेते हैं तो उसके लिए कितना मेंटेनेंस हमको करना पड़ता है, हर 2-3 महीने में उसको सर्विसिंग करानी पड़ती है, नहीं तो चीज खराब होती रहती है। लेकिन इस प्रकृति में आप देखेंगे कि सामंजस्य बना हुआ है, इतने साल से पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, सारे प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में चल रहे हैं, तो क्या वो सब अपने आप ही कार्य कर रहे हैं कि उन सबके पीछे कोई शक्ति काम कर रही है, तो सब का कारण कौन है। तो शास्त्रों के हिसाब से इन सब का कारण कौन है, भगवान श्री कृष्ण सभी के कारण पुरुष है। तो हम जब शास्त्रों के हिसाब से देखते हैं, कोई आपको बोलेगा ये भगवान है वो भगवान है, तो आप उनसे शास्त्रों के आधार पर पूछ सकते हैं कहाँ पे इनका वर्णन है। तो ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी जब प्रे कर रहे हैं तो भगवान के प्रे कर रहे हैं, तो ब्रह्म संहिता यानी ब्रह्मा जी की जो प्रेयर्स हैं उनको ब्रह्म संहिता कहते हैं, उपनिषद में आती है। वहां पे ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो उसका मतलब क्या है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कृष्ण जिन्हें गोविंद के नाम से भी जाना जाता है, सर्वोच्च ईश्वर है, उनके पास एक शाश्वत आनंद में आध्यात्मिक शरीर है, सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान की एक क्वालिटी जो बोलते हैं सच्चिदानंद, यानी सत एटर्नल, चित मींस ऑल नॉलेज और आनंद मींस एटर्नल ब्लिस, तो सच्चिदानंद एटर्नल नॉलेजेबल एंड ब्लिसफुल, तो उनका शरीर पूर्ण रूप से सच्चिदानंद है, वह सबका मूल है, उसका कोई अन्य मूल नहीं है और सभी कारणों का प्रमुख कारण है। तो गॉड इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, और वो कौन है, भगवान ब्रह्मा बताते हैं वो कृष्ण है। ब्रह्मा जो है हमारे ब्रह्मांड की सबसे पहली लिविंग एंटिटी है, यानी सबसे पहले प्राणी हमारे ब्रह्मांड में कौन आते हैं, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी से ज्यादा और कौन बता सकता है। श्रीमद भागवतम में भी पहले कैंटो के 3rd चैप्टर के 28वें श्लोक में कहा गया है, एतेश्च अंशम कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम रदयन्ति युगे युगे। यहाँ पे इन इस श्लोक के पहले जो भी श्लोक आते हैं उनमें अलग अलग अवतारों के बारे में बताए गए हैं, मत्स्य अवतार, उसके बाद कुर्म अवतार, नरसिंह अवतार, ऐसे सारे अवतारों के बारे में बताया गया है। सब अवतारों की चर्चा करने के बारे बाद में कहा गया है कि जो ये सभी अवतार हैं या तो वो पूर्ण भाग हैं या भगवान के पूर्ण भाग के अंश, यानी पूर्ण भाग से मतलब है जो भगवान के एक्सपेंशन है अलग अलग, तो ये अवतार या तो भगवान के एक्सेप्शन एक्सपेंशन है या एक्सपेंशन के भी छोटे से अंश हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो है उनको आप अवतार नहीं समझिए, वो भगवान मूल भगवान है, भगवान स्वयं भगवान है, ये कहा गया है श्रीमद भागवतम के पहले कंटो के 3rd चैप्टर के 28वें श्लोक में। हम देखते हैं तो जिस तरह से हम कोई भी चित्रकार का चित्र देखेंगे, किसी चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्र बताया बनाया है, तो हमको सबसे पहले उस चित्र को देख के क्या ध्यान आता है,
कितना सुंदर चित्र है, किस कलाकार ने बनाया है, कौन है इसका रचयिता। तो मान लीजिए एक बहुत अच्छा कलाकार है, उसने एक फूल का चित्र बनाया है, बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है, बिल्कुल देखने में असली फ्लावर जैसे उसका कलर है, बिल्कुल उसने एक एक डिटेल बनाया है। अगर वो चित्र को कोई देखेगा तो प्रसन्न होगा, कितना अच्छा ड्राइंग बनाया है, कितना अच्छा पेंटिंग किया है, किसने किया है पेंटिंग। लेकिन वो चित्र कितना भी अच्छा हो, क्या असली फूल को रिप्लेस कर सकता है, असली फूल की जगह ले सकता नहीं। असली फूल में जो बात है, असली फूल का टेक्सचर जो है, हम उसको छू के फील कर सकते हैं, असली फूल की जो सुगंध है। लेकिन हम बोलते हैं असली फूल अपने आप बन गया, ये तो सिर्फ पैदा हो गया। तो क्या हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि जब एक फूल का रेप्लिका अपने आप नहीं बन सकता, जैसे कल हमने देखा था न्यूटन की कहानी में, हमने सुना था कि न्यूटन के दोस्तों को जब वो बताते हैं कि अरे ये मॉडल, सोलर सिस्टम का मॉडल मैंने नहीं बनाया, ये तो अचानक ऐसे केमिकल मिलके बन गया, तो उनके दोस्त हंसते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये केमिकल मिलके कोई अपने आप से ऐसा कोई चीज नहीं बन सकता, सोलर सिस्टम का इतना अच्छा मॉडल कैसे बन गया। तो उन्होंने बोला, आप ही लोग तो हमेशा बोलते हो कि ये पूरा ब्रह्मांड बाय चांस बन गया है, जब वो ब्रह्मांड अपने आप बन सकता है तो क्या सोलर सिस्टम का मॉडल चार केमिकल अपने आप मिलके नहीं बन सकता। तो यही हमको सोचना चाहिए कि जब हम इस छोटी सी चीज पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हम इतनी बड़ी चीज पर भरोसा करने को तैयार हो जाते हैं कि ब्रह्मांड सिर्फ चांस में बन गया और सब कुछ अपने आप ही चल रहा है। जैसे मैंने बताया कि हमें छोटी छोटी चीजों को मेंटेनेंस लगता है, हमारी वॉशिंग मशीन, हमारे घर में टीवी से लेकर सब चीज को मेंटेनेंस लगता है, हमारी कार को मेंटेनेंस लगता है, उस पर इतने बड़े ब्रह्मांड को मेंटेनेंस नहीं लगता है। तो किस तरह से भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाते हैं, उसके लिए हम हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है उससे हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि किस तरह से यूनिवर्सल गवर्नमेंट चल रही है। तो स्थानीय गवर्नमेंट, जैसे किसी देश की गवर्नमेंट देखते हैं आप, तो वहां पे एक प्रधानमंत्री होता है, और जो वो प्रधानमंत्री होता है वो पूरे देश को मेंटेन करता है और नियंत्रित करता है। उसके हाँ बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट होती है और काफी सारे यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं और बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन मेन प्रधानमंत्री रहता है। और क्या उद्देश्य रहता है कि सरकारी कानून जो पालन करते हैं उनको वो थोड़े सेफ रहते हैं, और जो भी कानून को तोड़ता है उनको सजा मिलती है। आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए, वाकई ऐसा हो रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आइडियली यही होता है कि कानून का जो पालन करेगा उसको कोई डरने की बात नहीं, लेकिन जो कानून तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी। अभी हम इसका कंपैरिजन अगर यूनिवर्सल गवर्नमेंट से करें, भगवान तो सार्वभौमिक सरकार के पीछे भगवान है, और फिर उनके नीचे बहुत सारे देवता आते हैं जो उनको ये पूरा संसार चलाने के लिए भगवान का मदद करते हैं। भगवान ने डेलीगेट करके काम उनको दिया हुआ है कि तुम ये काम करो, तुम ये बात काम करो, इस तरह से सब देवता अपना अपना काम करते हैं। भगवान पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं और नियंत्रित करते हैं, और इसी तरह भगवान के जो बनाए हुए नियम है, जो शास्त्रों में हमको बताए गए हैं, उसका जो पालन करते हैं वो एक स्पिरिचुअल लेवल पे हमेशा उनको फायदा मिलेगा, और जो कानून तोड़ेंगे उनको हमेशा पीड़ा मिलती रहती है। अब किस तरह से ये होता है, ये हम जब कर्म होगा, कर्म के ऊपर चर्चा करेंगे परसों, कल तो हम जीव के ऊपर चर्चा करेंगे, परसों हम कर्म के ऊपर जब चर्चा करेंगे तब हम ये चीजों को और ध्यान से देखेंगे। तो नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है आज के टॉपिक का, जो मेन सेंटर है वो यही है, भगवान की समझ। तो किस तरह से भगवान को समझा जाता है, तो हम देखेंगे कि कई लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है, कई लोग बोलते हैं नहीं वो तो सबके हृदय में बसते हैं, कोई बोलता है नहीं भगवान का अस्तित्व है, परमात्मा है, तो ये सब चीजें अलग अलग बोलते हैं, तो इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो श्रीमद् भागवतम में 1.2.11 यानी पहले कैंटो के दूसरे चैप्टर के 11वें श्लोक में बताते हैं, वदन्ति तत् तत्वद्विदस् तत्त्वं यज् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्द्यते। इसका मीनिंग क्या है कि जो परम सत्य को जानने वाले विद्वान हैं वो पारलौकिक लोग जो हैं, ट्रांसेंडेंटल जो लोग हैं, वो इस अद्वैत पदार्थ को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कहते हैं। मीन्स भगवान को समझने का तीन अलग अलग लेवल है। क्या लेवल है? सबसे पहला लेवल
लोग भगवान को सर्वव्यापी रूप में देखते हैं, ब्रह्म रूप में, कि ब्रह्म हर जगह संसार के कण कण में भगवान मौजूद है सर्वव्यापी। तो ये भगवान का इम्पर्सनल फीचर है, मीन्स जो दिखता नहीं है आपको, जो हम संसार में हर जगह मौजूद है, इम्पर्सनल फीचर को बोला जाता है, उसको बोला जाता है ब्रह्म। और भगवान के सच्चिदानंद में से ये सत को रिप्रेजेंट करता है, एटर्नल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है ब्रह्म फॉर्म। इसके अलावा भगवान का जो दूसरा लेवल है वो है परमात्मा। परमात्मा का मीनिंग क्या है? सुपर सोल। तो भगवान परमात्मा स्वरूप में सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। हमारे शरीर में हमारी आत्मा है और इसके अलावा परमात्मा के रूप में भगवान का भी निवास है। तो भगवद गीता के 15वें चैप्टर के 15वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान अपोनम च वेदैश सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदावित एव चाहम। मीनिंग क्या है? भगवान बोल रहे हैं कि मैं हर एक प्राणी के हृदय में वास करता हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ मनुष्यों के, जानवर और जो भी लिविंग एंटिटीज हैं सबके शरीर में भगवान का वास है, सबके हृदय में भगवान वास करते हैं। और श्रीमद् भागवतम में कंपैरिजन दिया गया है इसका कि किस तरह से भगवान वास करते हैं। तो एक ट्री का उदाहरण आता है, एक पेड़ का उदाहरण आता है कि एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं। तो एक पक्षी कौन है? एक पक्षी आत्मा है और एक दूसरा पक्षी है वो परमात्मा। तो जो एक पक्षी आत्मा है वो उस पेड़ के फलों को खाने में लगा हुआ इधर उधर देखता रहता है, लेकिन जो दूसरा पक्षी है परमात्मा वो सिर्फ साक्षी के रूप में उस चिड़िया को देखते हैं। भगवान हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, भगवान हमेशा हमारे साथ साक्षी के रूप में रहते हैं और हम क्या कार्य कर रहे हैं सब भगवान देखते हैं। कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि अरे किसी को पता नहीं चलेगा मैं ये कार्य करूंगा, किसी को पता चले ना चले भगवान हमेशा साक्षी रहते हैं। इसलिए हमारे जो कार्मिक रिएक्शन है, अब भाई हमने किसी ने हमको देखा हो या ना देखा हो, कार्मिक रिएक्शन हमारे को हमेशा आएंगे क्योंकि भगवान उसके साक्षी हैं। तो परमात्मा स्वरूप में भगवान सभी के हृदय में बसते हैं और एक साक्षी के रूप में हमारे साथ रहते हैं। तभी आप देखेंगे, आपने खुद भी फील किया होगा कि कई बार हमें एक अंदर से आवाज आता है, कभी हम कुछ गलत कार्य करने जा रहे हैं या कुछ, तब हमको एक बार अंदर से आवाज आएगा। अगर हम उस आवाज को सुन लेते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो हम गलत काम करने से बच जाते हैं। लेकिन हमने उसको इग्नोर कर दिया तो फिर हम वो काम करते हैं। तो वो जो आवाज हमको अंदर से आती है वो परमात्मा की आवाज है, जो हमको कभी कभी सजेशन देते हैं, हमें राह दिखाते, गाइडेंस करते हैं। लेकिन हम उनकी बात को सुनते हैं कि नहीं सुनते, इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा आगे क्या परिणाम होगा। तो ये पहला स्वरूप हमने देखा, फर्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड इज भगवान को व्यक्ति ब्रह्म के रूप में देखते हैं, सर्वव्यापी, पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हर एक कण में। दूसरा जो लेवल है वो भगवान को लोग देखते हैं हृदय में बसने वाले परमात्मा के रूप में। और जो तीसरा और सर्वोच्च जो रूप है, लेवल है, वो है छह ऐश्वर्य वाले भगवान श्याम सुंदर। तो भगवान को छह ऐश्वर्य वाला, भगवान का अर्थ क्या होता है? भगवान, भगवान मीन्स भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, ऑपुलेंसेस। तो और वान का अर्थ होता है जिसके पास वो ऑपुलेंस हो, उन ऑपुलेंस को धारण करने वाला। तो भगवान का अर्थ है जिनके पास छह ऐश्वर्य हैं। तो अभी आगे की स्लाइड में इसका डिटेल आएगा कौन से छह ऐश्वर्य हैं। अभी दो तीन स्लाइड के आगे हम इसको और डिटेल में देखेंगे। तो आप लोगों को ये थोड़ा क्लियर हुआ क्या? अगर नहीं हुआ तो मैं फिर से बोलूं, चैट में आप लिख सकते हैं। लेवल है भगवान को समझने का, जिसमें हरे कृष्णा, ये तीन लेवल आपको समझ में आए क्या? ओके, धन्यवाद। ढूंढे प्रभु जी बोल रहे हैं कि स्क्रीन नहीं आ रही है। प्रभु जी स्क्रीन मेरे ख्याल से बाकी सभी को दिख रहा है, आप एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करने का प्रयास करेंगे, कभी कभी इंटरनेट के कारण कुछ परेशानी आ जाती है। प्रभु जी आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। क्रैक हो रही है? हाँ, क्या, सर।
सभी को आवाज में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, सुनाई दे रहा है क्या, कि बाकी लोगों को सही सुनाई दे रहा है? साउंड ओके ओके। माता जी शायद से आपके यहाँ पे कुछ इश्यू आ सकता है। धुंडे प्रभु आप एक बार दोबारा ज्वाइन करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बाकी सबको स्क्रीन दिख रहा है, सुनाई दे रहा है। ओके तीन लेवल है भगवान को समझने के, ब्रह्म जो कि एक इम्पर्सनल फॉर्म भगवान का है, दूसरा लेवल है सभी व्यक्तियों के शरीर में वास करने वाले परमात्मा, और तीसरा जो सबसे ऊपर का लेवल है वो है छह ईश्वर से युक्त भगवान श्याम सुंदर, जो अपने धाम गोलोक में वैकुंठ धाम में रहते हैं। वैकुंठ में बहुत सारे धाम है, यहाँ पे सर्वोच्च धाम है गोलोक धाम। ओके, अभी हम नेक्स्ट स्क्रीन में देखेंगे। भगवान के ब्रह्म स्वरूप को समझने के लिए थोड़ा सा समझना उसको कठिन हो सकता है, इसलिए एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जो ब्रह्म स्वरूप है वो ईश्वर के सर्वव्यापी पहलू को संदर्भित करता है। जैसे हम सूर्य का एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम सूर्य सुबह सुबह निकलता है तो हम घर में अंदर भी बैठे रहे तो भी बाहर विंडो से जैसे ही हम सा रोशनी दिखा सूर्य का तो हम समझ सकते हैं कि सूर्य है, बाहर निकला है। ठीक है, सूर्य यहाँ पे खुद नहीं है लेकिन सूर्य की रोशनी है यहाँ पे धरती पे आ रही है। तो रोशनी क्या सूर्य है? सूर्य की जो एनर्जी है वो उसकी रोशनी है। रोशनी अलग है, सूर्य अलग है, ऐसा हम समझ सकते हैं, लेकिन रोशनी भी सूर्य का ही एक भाग है। इसी तरह से ब्रह्म भी भगवान का एक फीचर है। उसी तरह से जब हम सूर्य की रोशनी को देखते हैं तो हमको सूर्य के होने का एहसास पता चलता है, इसीलिए ब्रह्म भी भगवान का एक फीचर है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है वो है परमात्मा फीचर। तो भगवान हर जगह है और हर व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं। तो जो परमात्मा है वो हमारे इंटरनल ईश्वर है, आंतरिक नियंत्रक है, और सभी प्राणियों के दिल में रहने वाले भगवान को परमात्मा कहा जाता है। कथा उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा की तुलना एक ही पेड़ यानी हृदय के भीतर बैठे दो पक्षियों से की गई। तो मैंने आपको जो एक एग्जांपल दिया था वो इसी की चर्चा यहाँ पे की गई कथा उपनिषद में, कि आत्मा परमात्मा एक ही पेड़ पे बैठे दो चिड़ियों के समान है, और एक चिड़िया पेड़ का फल खा रहा है और जो दूसरी चिड़िया उसको देख रही है। तो परमात्मा किस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं, एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक ब्राह्मण थे, बहुत ही अच्छे भक्त, लेकिन गरीब थे, काफी धन नहीं था उनके पास। तो एक दिन उनकी बहुत इच्छा हुई कि मैं भगवान को खीर चढ़ाऊं, लेकिन उनके पास धन नहीं था, किस तरह से खीर चढ़ाई जाए भगवान को। तो वो अपने मन ही मन उन्होंने सोचा कि मेरे पास धन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन भगवान भावग्राही है, तो क्यों ना मैं अपने मन में ही भगवान को भोग लगाऊं। तो वो उन्होंने बहुत ध्यान लगाया और उस ध्यान में वो अपने खीर प्रिपेयर करने लगे। वो उन्होंने सोचा कि हाँ मैं सारी सामग्री लेके आया हूँ, मैंने चूल्हे पे सब कुछ रख दिया है, शक्कर डाली, उसमें चावल डाले, उबाला चावल को, दूध डाला, और बहुत अच्छे से ने ध्यान में ही वो खीर प्रिपेयर करने लगे। खीर बनाने के बाद जब वो भगवान को भोग लगाने गए तब उनको लगा ध्यान में कि अगर ये खीर ज्यादा गर्म हुई तो भगवान का मुंह जल सकता है, क्यों ना मैं इसको देखूं रच करके। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उस खीर में डाला तो बहुत गर्म था खीर, तो उनके हाथ जल गया। जैसे ही उनका हाथ जला तो उनका ध्यान टूट गया, और जब उन्होंने देखा तो सचमुच उनका हाथ जल गया था। तो इससे हमको ये पता चलता है कि भगवान ने उनका भाव देखा, और उनको ये बताने के लिए कि हाँ तुम्हारी खीर मैंने स्वीकार करी, उन्होंने उनका हाथ तरह से जला दिया, तो उनको पता चल गया कि हाँ वो सत्य में वो भोग मैंने भगवान को लगाया, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कपूर कल्पना में मैंने चढ़ा दिया, वो मैंने जो मन से किया वो भगवान ने स्वीकार किया। तो इस तरह से भगवान अगर कोई सिंसियर है, कोई भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है, तो उसके साथ रेसिप्रोकेशन यानी आदान प्रदान भी करते हैं। और जो तीसरा फीचर है वो है भगवान, भगवान श्याम सुंदर। तो भगवान का अर्थ है, जैसे मैंने बताया था, कि छह तरह के ऐश्वर्य से युक्त है। तो कोई बता सकता है कि ये भगवान की जो डेफिनेशन है छह ऐश्वर्य की, ये शास्त्रों में किन ऋषि ने दी है?
बहुत फेमस ऋषि हैं, और महाभारत में जो एक प्रमुख ऋषि हैं उनके पिता हैं। तो बता सकते हैं आप महाभारत में कौन वो ऋषि हैं जिनके पिता हैं वो? दोनों का नाम बता सकते हैं? द्रोणाचार्य? नहीं, द्रोणाचार्य तो आचार्य हैं, मैं ऋषि की बात कर रहा हूँ। ऋषि वेदव्यास के पिता, तो वेदव्यास ने महाभारत लिखी और उनके पिता ने भगवान की जो ये डेफिनेशन है शास्त्र में लिखी। पराशर ऋषि। तो पराशर ऋषि जो थे उन्होंने भगवान का जो एक वर्णन किया है, भगवान कौन है, तो उन्होंने कहा है भगवान, जैसे बताया कि भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य और वान का अर्थ होता है जो संपूर्ण, जो उस ऐश्वर्य से संपन्न है। तो छह तरह के ऐश्वर्य उन्होंने बताया कि छह तरह के ऐश्वर्य जिसमें असीम मात्रा में है, जिनकी कोई सीमा नहीं है उस मात्रा में है, उनको भगवान कहा जा सकता है, सही तरह से भगवान कहा जा सकता है। तो सुंदरता पहला है, ऑल ब्यूटी, सुंदरता। तो भगवान की सुंदरता का तो क्या कहने की, भगवान को देख के सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और एक कहानी आता है कि जब कामदेव एक बार, उनको थोड़ा घमंड हो जाता है और वो बोलते हैं मैं कृष्ण को भी मोहित कर दूंगा, और वो वृंदावन आते हैं और कामदेव जब कृष्ण को देखते हैं तो कामदेव खुद ही बेहोश हो जाते हैं। और इसीलिए कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन। मदन किसका नाम? कामदेव का, और मदन मोहन कृष्ण का नाम है। तो कृष्ण को सबसे सुंदर कहा जाता है। आज भी हम देखते हैं कि जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए जाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटी छोटी फोटोज रहती हैं, उसको देख के आते हैं कि मुझे ये तस्वीर दे सकते हैं क्या आप? कैलेंडर रहते हैं छोटे छोटे, तो उनको देख के बहुत लोग आकर्षित होते हैं। और भगवान की इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं अलग अलग मंदिरों में, इनको देख के भक्त बहुत खुश होते हैं। तो भगवान से सुंदर और कोई नहीं। भगवान जब मोहिनी अवतार लेते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो राक्षस थे उन्होंने अपना अमृत तक दे दिया। तो इस तरह से भगवान बहुत ही सुंदर है, और स्पेशली कृष्ण स्वरूप में बहुत सुंदर है। श्याम सुंदर त्रिमंग ललित फॉर्म में जब भगवान केशी घाट में खड़े होते हैं, तो एक आचार्य लिखते हैं कि अगर आप पहले तो वृंदावन ही मत जाना, अगर वृंदावन भी गए तो केशी घाट पे मत जाना, क्योंकि केशी घाट पे एक जेंटलमैन खड़े हैं, उनको आपने देख लिया तो फिर आप वापस नहीं आ पाएंगे। तो इतने भगवान सुंदर है, मोह लेते हैं सबको। दूसरा जो उनका ऐश्वर्य है वो है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि यानी फेम। हमारे संसार में बहुत लोग हैं जिनका फेम होगा, काफी फेमस लोग होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन क्या कोई भगवान के जितना फेमस है? ज्यादा से ज्यादा वो इस पृथ्वी पे फेमस हो सकते हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में तो फेमस नहीं है। सारे ब्रह्मांड में भगवान सबसे ज्यादा फेमस है, और सिर्फ इसी ब्रह्मांड में नहीं आना, संघ के ब्रह्मांड में केवल भगवान की ही ग्लोरीज गाई जाती है, भगवान की ही प्रसिद्धि गाई जाती है। तो भगवान सबसे फेमस है। उसके अलावा हम देखेंगे कि भगवान की शक्ति। भगवान ने जब अपने जन्म के बाद, आप देखेंगे वृंदावन में, गोकुल में कितने राक्षसों का वध किया। वृंदावन में उन्होंने पर्वत को उठाया, गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रातों तक अपने हाथों के द्वारा उठा के रखा। हाथों के द्वारा भी नहीं, सिर्फ एक बाएं हाथ की छोटी सी एक उंगली पे उठा के रखा, और थके नहीं, बहुत आराम से उठा के रखा। तो इतनी शक्ति आप हिस्ट्री में देखेंगे किसी के पास नहीं होगी। भगवान की शक्ति, वो ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते हैं, एक नहीं असंख्य ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते हैं, इतनी शक्ति किसी के पास नहीं। इसके अलावा त्याग। त्याग जब हम देखेंगे, रिनंसिएशन, भगवान के त्याग का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? कृष्ण लीला में इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है? त्याग की फोटो, भगवान सारथी बने हैं, भगवान द्वारकाधीश हैं लेकिन अभी सारथी बने हैं। कभी आपने किसी व्यक्ति को देखा है कि बॉस हो, अपने एम्प्लॉय के लिए कार चलाए और बोले एम्प्लॉय को पीछे बैठ जाओ? ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन राजा होते हुए भी, द्वारकाधीश होते हुए भी भगवान ने एक सारथी बने। क्या है
म्यूट रखेंगे आप, धन्यवाद। सो भगवान का त्याग और भी देख सकते हैं हम कि भगवान जब भी कुछ कार्य करते हैं अपना क्रेडिट जो है पूरा भक्तों को दे देते हैं। अगर आप रामायण देखें तो वानर सेना को भगवान ने इतना क्रेडिट दिया, क्या भगवान अकेले जाके रावण से युद्ध नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन भक्तों के ग्लोरीज बढ़ाने के लिए, भक्तों को श्रेय देने के लिए वो अपने कार्य में भक्तों को भी लगाते हैं और पूरा क्रेडिट देते हैं। तो ये भी एक तरह का त्याग है कि क्रेडिट ना लेके दूसरों को देना। इसके अलावा जब वो उन्होंने कंस को मारा तो भगवान वहां पर राजा बन सकते थे, कोई नहीं बोल सकता था कि आप क्यों राजा बन रहे हो भाई। कंस को उन्होंने मारा था, पूरे जनता को कंस के जो प्रताड़ना देता था उससे भगवान ने मुक्त किया था, लेकिन उन्होंने अपने नाना को उग्रसेन जी को बनाया। इस तरह से आप देखेंगे कि माता जी ने लिखा है राधा को त्याग देकर वो वृंदावन से बाहर आए, गोपियों को त्यागा उन्होंने क्योंकि उनको जो कर्तव्य करना था उसके लिए उन्होंने जो उनके सबसे प्रिय थे गोपियां राधा वहां से उनका त्याग करके वो अपने जिस चीज के लिए जिस पर्पस के लिए भगवान ने अवतार लिया था उसको पूरा करने के लिए आए। तो इस तरह से बहुत एग्जांपल है, ना सिर्फ कृष्ण लीला में भगवान के और अवतारों में भी आप देखेंगे कि त्याग बहुत। ज्ञान तो हम जिस भगवद गीता की चर्चा कर रहे हैं भगवान ने ही बोली, इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा। पूरे वेदों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, तो उनसे ज्यादा ज्ञानवान कोई नहीं। संपत्ति के बारे में तो क्या कहें, भगवान लक्ष्मीपति हैं। तो लक्ष्मी जिनके पीछे पूरा संसार घूमता रहता है उसके पति हैं, उनके पति हैं। तो भगवान से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं है। तो इस तरह से हम देखेंगे इन छह ईश्वरों से युक्त है भगवान श्री कृष्ण। नेक्स्ट, अब हम किस तरह भगवान को समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारा वो लेवल नहीं है कि हम भगवान के साक्षात दर्शन करें। तो किस तरह से हम अभी भगवान को परसीव कर सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं? तो भगवान कहते हैं भगवद गीता 7th chapter 7th श्लोक में भगवान बोलते हैं, सॉरी, मत्ता परतरम न्यान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मायि सर्वम् इदं प्रोतम सूत्रे मणिगण इव। मुझसे बढ़ के कोई सत्य नहीं है और सब चीजें मेरे ऊपर ही निर्भर है। किस तरह से निर्भर है, जैसे कि एक नेकलेस होता है, वो जो नेकलेस पर्ल नेकलेस या कोई भी नेकलेस होता है उसमें मोती जो रहते हैं एक धागे में पिरोए हुए रहते हैं, उस धागे के कारण ही वो सारे मोती एक साथ रहते हैं और इतना सुंदर नेकलेस दिखता है। लेकिन जब हम नेकलेस को देखते हैं तो हम धागे को नहीं देखते हैं, हम उस नेकलेस को देख रहे हैं। तो उस धागे की तरह भगवान है जो अव्यक्त हमको लगते हैं, लेकिन उन्हीं के कारण ये जो पूरा जगत है ये एक नेकलेस की जैसे हमको सुंदर दिख रहा है और सारी चीजें उनके ऊपर ही टिकी हुई हैं। तो इस तरह से भी हम भगवान को इस प्रकृति में चीजों को नोटिस करके भगवान को समझ सकते हैं। 10th chapter में भगवान बोलते हैं, 10th chapter में ही, हाँ सही है, कि जो जल का स्वाद है वो भी मैं हूं। तो हम जब जल पीते हैं तब भी भगवान का एहसास कर सकते हैं, अगर हमारी सही कॉन्शियसनेस हो तो। हमारे लिए जल पीना कोई बड़ी बात नहीं, जब भी प्यास लगी पी लेते हैं, लेकिन उस जल में जो सेटिस्फेक्शन है, जो टेस्ट है, वो भी भगवान बोलते हैं मैं हूं। तो उन चीजों को अगर हम सही से कॉन्शियसनेस हमारी सही हो, हम समझ सकें, तो हम भगवान का एहसास हर चीज में कर सकते हैं। अब भगवान अवतार क्यों लेते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है कि भगवान है लेकिन अवतार क्यों लेते हैं। तो भगवान भगवद गीता में ही बोला है 4.8 14th chapter का 8th श्लोक, बहुत फेमस श्लोक है, सबको मालूम है, परित्राणाय साधुनाम विनाशायम च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। तो परित्राणाय साधुनाम मतलब साधुओं के रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, और अपनी लीलाओं से भक्तों को तृप्त करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा कारण है। विनाशाय च दुष्कृतम तो फिर भी हो सकता है, भगवान के पास बहुत सारी एनर्जीज हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं, दुर्गा देवी को बोल सकते हैं कि जाओ इस राक्षस को मार दो, उनको खुद आने का जरूरत नहीं,
शिव जी हैं, बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े शक्तियां हैं जिनको जो इन राक्षसों का नाश कर सकते, लेकिन भगवान स्वयं क्यों आते हैं? स्वयं उनका मेन उद्देश्य है वो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने, और जब वो आते हैं तब ये राक्षसों का नाश भी करते हैं, समाज से आसुरिक मानसिकता को दूर करने के लिए, जो समाज में गुजरते समय के साथ धीरे धीरे आसुरिक मानसिकता पैदा हो जाती है, तो भगवान उसको दूर करने के लिए और धर्म संस्थापना यानी धर्म को बहाल करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, और इसीलिए समाज की जो दिशा है उसको सुधार करने के लिए समय समय पर प्रकट होते हैं, कभी भगवान प्रकट होते हैं, कभी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, इस तरह से भगवान अवतार लेते रहते हैं। भगवान कैसे अवतार लेते हैं हम देखेंगे कि एक तीन अलग अलग तरीके हैं, या तो भगवान अपना अवतार लेते हैं जैसे हम पढ़ते हैं अलग अलग अवतारों के बारे में उस तरह से अवतार लेते हैं, या भगवान आचार्यों को भेजते हैं, अलग अलग आचार्य उनको अपनी शक्ति के द्वारा युक्त करके भेजते हैं। तो हम देखेंगे कि चार अलग अलग वैष्णव संप्रदाय हैं और उसमें बहुत महान महान आचार्य आए, जैसे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, तो इस्कॉन जो है वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से बिलोंग करता है, ब्रह्म संप्रदाय था, ब्रह्म संप्रदाय में सबसे जो प्रोमिनेंट आचार्य आए वो है मध्वाचार्य, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही फेमस आचार्य मध्व संप्रदाय के। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु क्योंकि गौड़ देश से बिलोंग करते थे और वो उन्होंने भक्ति को बहुत आगे लेके गए, तो उस कारण से नाम पड़ा ब्रह्म मध्वीय गौड़ीय संप्रदाय, और इस्कॉन किसी संप्रदाय से बिलोंग करता है। दूसरा जो संप्रदाय है श्री संप्रदाय, यानी लक्ष्मी जी के थ्रू जो संप्रदाय आ रहा है वैष्णव संप्रदाय, उसको कहा जाता है श्री संप्रदाय, और इसमें जो प्रमुख आचार्य हुए हैं उनका नाम है अरामनुजाचार्य, आपने नाम सुना होगा जरूर, बहुत ही फेमस आचार्य है, बहुत स्ट्रॉन्ग आचार्य, बहुत उन्होंने कॉमेंट्रीज लिखी भगवद गीता के ऊपर और बाकी शास्त्रों के ऊपर भी। इसके अलावा कुमार संप्रदाय, कुमार संप्रदाय के जो मुख्य आचार्य हैं वो हैं निम्बकाचार्य, और आखिरी है रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय यानी भगवान शिव द्वारा जो वैष्णव संप्रदाय आया है वो है रुद्र संप्रदाय। इसमें जो मुख्य आचार्य हैं वो है विष्णु स्वामी, तो ये आचार्यों के थ्रू भी भगवान अपनी शक्तियां भेजते हैं और आचार्य धर्म की संस्थापना करते हैं, व्यक्तियों को किस तरह से धर्म का पालन करना वो सिखाते हैं। इसके अलावा भगवान किस तरह से अवतार लेते हैं धर्म ग्रंथ के ऊपर के थ्रू भी, तो जो धर्म ग्रंथ है आप जब भगवद गीता देखते हैं, भगवद गीता और भगवान में कोई अंतर नहीं, जैसे हमने पहले दिन पढ़ा था कि भगवान के नाम रूप गुण लीला ये चारों चीजों में कोई डिफरेंस नहीं है, भगवान एब्सोल्यूट है, भगवान पूर्ण है, तो भगवान का ध्यान हम अगर हम भगवद गीता के थ्रू करें, भागवतम के थ्रू करें, या हम उनके नामों के थ्रू करें, उनके रूप का ध्यान करके करें, या उनकी लीलाओं की चर्चा करके करें, सब में हम भगवान का संग कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवद गीता को सिर्फ एक बुक नहीं समझना चाहिए, भगवद गीता साक्षात श्री कृष्ण है। तो धर्म ग्रंथ जो है अलग अलग तरह के आप देखें, प्रणव मंत्र यानी ओंकार, इसको शब्द ब्राह्मण भी कहा जाता है, शब्द ब्राह्मण का अर्थ है शब्द रूप में जो भगवान का अवतार है, शब्द ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण, ब्राह्मण जो शब्द है जो हम आजकल यूज करते हैं वो ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण से आया है, उसका मतलब क्या है, ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म जानती इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, जात से कोई ब्राह्मण नहीं, कॉन्शियसनेस से ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता है वही असली ब्राह्मण। चतुर्वेद, जो चार वेद हैं, जो महर्षि वेदव्यास ने जिनको विभाजन किया, पहले सिर्फ एक ही वेद हुआ करता था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सोसाइटी का किस तरह से एक स्टैंडर्ड होता जा रहा है, तो उन्होंने देखा कि अब लोगों के याद करने की शक्ति भी कम हो गई, पहले बुक फॉर्म में वेद नहीं था, केवल एक ही वेद था और सब उसे श्रुति फॉर्म में याद करते, श्रुति फॉर्म यानी सुन के ध्यान करना, उस समय लोगों का इतनी एकाग्रता रहती, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतने ज्यादा नहीं थे, अभी तो आप देखेंगे कि इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है कि हम पढ़ी चीजें भी याद नहीं रख पाते, जो हमने लिख के रखा है उसको भी याद कर नहीं कर पाते, रिकॉल करना पड़ता है बार बार देख के, तो इसीलिए उन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया और उन्हें पुस्तक के फॉर्म में
लेके आए। इसके अलावा उपवेद है, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र है, उपनिषद है, पुराण है और इतिहास है। इतिहास का मतलब क्या है यहाँ पे कोई बता सकता है? इतिहास यानी कौन सा धर्म ग्रंथ? रामायण महाभारत। बिल्कुल सही प्रभु जी, पूर्वेश प्रभु ने बिल्कुल सही आंसर दिया। रामायण महाभारत को इतिहास कहा जाता है, लेकिन अंग्रेज टर्मिनोलॉजी में इसको माइथोलॉजी कहते हैं, मतलब उसको एक तरह से उसको डिस्क्रेडिट करते हैं कि ये तो मिथोलॉजी है। लेकिन कभी भी आपको कोई बोले कि ये मिथोलॉजी है तो आप उसको बोल सकते नहीं, इतिहास है, दिस इज द हिस्ट्री नॉट द मिथोलॉजी। ओके, भगवान के बारे में हमने जाना, अभी हमारी भूमिका क्या है? जब भगवान के बारे में जानने के बाद में व्हाट इज माय रोल, तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं 7.16 में बोलते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम ज्ञान सुकृत अर्जुन अर्थो जिज्ञासुर अर्थाति ज्ञानी च भारत अर्षभा। मीन्स मुझे चार तरह के लोग अप्रोच करते हैं। कौन चार तरह के लोग जो मुझे अप्रोच करते हैं? सुकृति, उनमें सुकृति होती है। और वो कौन कौन के प्रकार के लोग हैं? जो एक तो वो है जिसका सब कुछ लुट गया, बहुत दुविधा में है, बहुत दुख में है, वो भगवान के पास आता है। या तो जिस व्यक्ति को धन का अर्जन करना है, उसको धन की लालसा है, वो भगवान के पास आता है। इसके अलावा जो उत्सुक है, बहुत जिज्ञासु है, उसको जानना है चीजों के बारे में वो, और आखिरी जो व्यक्ति वो ज्ञान की तलाश में जो रहता है वो भगवान के पास आता है। लेकिन इन चारों के एक क्वालिटी उन चारों में समान रहती है, वह सुकृति। भगवान में भगवान का ध्यान सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास सुकृति है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हर आदमी दुख में होता है वो भगवान का ध्यान नहीं करता है, व्यक्ति जिसको धन के अर्जन करना है वो भगवान का ध्यान नहीं करता, उसके लिए सुकृति भी जरूरी है। तो ये जो चार प्रकार मैंने बताए, इसके साथ उनके पास सुकृति होनी चाहिए। तो हमको भी बहुत जरूरी है कि हम अपने जो मनुष्य धर्म को समझें, प्रभु ने जो हमको संदेश दिया है गीता में उसको समझने का प्रयास करें, गुरु के थ्रू हम इस संदेश को समझें, और भगवान का जो योजना है उसके साथ हम अपना जो हमारा रास्ता है उसको अलाइन करें। तो भगवान की योजना क्या है? जो भी यहाँ पे जीव है उनको वापस भगवत धाम लेके जाना। तो वो किस तरह से हो सकता है? भगवत गीता का अध्ययन करके, भगवत गीता में जो व्यावहारिक दृष्टिकोण दिया गया है, जो जिस जिस तरह से हमको अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, उस तरह हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, जीवन की दिशा में सुधार करें। भगवत गीता में बताए हुए तरीकों के अनुसार हम स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस करें। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, महामंत्र का जाप बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा जो हृदय है वो साफ होता है, क्लीन होता है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम प्रेयर में बोलते हैं, शिक्षाष्टकम 8 श्लोकों का एक प्रेयर है, उसमें फर्स्ट श्लोक जो है वो है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, मीन्स हार्ट का जो दर्पण है, चेत यानी हमारा हार्ट, उसका जो दर्पण है उसको क्लीन करता है मंत्र, भगवान का नाम उसको क्लीन करता है। भव महादावाग्नि निर्मापनम, मीन्स जो इस भव सागर की जो हमेशा जो एक अग्नि लगी रहती है, दावाग्नि, अग्नि भी नहीं दावाग्नि, मीन्स जो फॉरेस्ट फायर जैसी फायर लगी रहती है उसको ये खत्म करता है। इसके अलावा श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, कुछ कमल होते हैं जो सिर्फ मूनलाइट में खिलते हैं, उस तरह से हमारे हृदय के कमल को ये खिलाता है, और जो हमारे जो आनंद को हर वक्त बढ़ाता रहता है। और इस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन दिया है इस श्लोक में। तो इस मंत्र का जाप हमको हमेशा करना चाहिए, ज्यादा नहीं, आप एक दिन में 5 मिनट भी इसका जाप करेंगे, एक माला करेंगे तो आपको लगभग 7 मिनट 8 मिनट ऐसा कुछ लगेगा। लेकिन इससे जो हमको हमारे हृदय में शुद्धि आती है और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए हमारा मन और मतलब दृढ़ता आती है, हम उसको और अच्छे से कर सकते हैं जब हम भगवान के नामों का जाप करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम बहुत पवित्र है। तो
इसके आगे हम देखेंगे और हमारा जो आखिरी जो गोल है वो है कि भगवान के पास वापस अपने धाम को हम जा सकते हैं, जहां से हम आए हैं वहां पे हम जा सकते हैं। नीचे में लिखा गया है, जो मुझे जानता है और विश्वास से मेरे पास आता है और समर्पण के साथ आध्यात्मिक का अभ्यास करता है वह मुझे प्रिय है और ऐसा व्यक्ति मेरे पास आएगा और मेरे साथ रहेगा, ये भी भगवान गीता में बोलते हैं। तो इस तरह से भगवान ने भरोसा दिलाया कि जो व्यक्ति ये करेगा वो मेरे पास जरूर आएगा। तो अभी हम लगभग आखिरी में आ गए हैं। अगर हम देखेंगे कि किस तरह से इस ट्री एनालॉजी दी गई है कि किस तरह से भगवान और हमारे बीच में संबंध है, तो भगवान अगर हम एक पेड़ के रूप में देखते हैं तो उस पेड़ में भगवान जड़ और तना है और जो आचार्य और शास्त्र हैं जो हमको उस तने से जोड़ के रखते हैं वो है आचार्य और शास्त्र, वो शाखाएं हैं और उन शाखाओं पे हम एक पत्तियों के तरह लगे हुए हैं। तो हमें उस पेड़ से किसने जुड़ के रखा है? शास्त्रों ने और आचार्य ने। अगर हम यहाँ इस पेड़ से टूट जाते हैं तो क्या होगा? पत्तियां पेड़ से टूट जाती है तो आपको भी पता है क्या होता है, पत्तियां सूख के खत्म हो जाती हैं। और हमारे लिए यही है कि हम इस शाखा से जुड़ा रहे हैं हमेशा शास्त्र के और आचार्यों के थ्रू, और इससे हमको पोषण मिलता रहता है क्योंकि तने को पोषण मिलेगा तो ऑटोमेटिक पोषण हमारे तक आ जाता है, हमको अलग से कुछ प्रयास करने का जरूरत नहीं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा हम एक और छोटा सा स्टोरी है, दुर्योधन और जब अर्जुन कृष्ण के पास जाते हैं तो क्या होता है? तो भगवान का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर यह भी है कि हम जिस तरह से भगवान को अप्रोच करते हैं भगवान उसी तरह से हमको अप्रोच करते हैं, उसी तरह से हमारे साथ व्यवहार करते हैं। भगवान बोलते हैं गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजामि अहम्। यानी जिस तरह से कोई मुझसे अप्रोच करता है मुझे उस तरह से मैं उससे अप्रोच करता हूँ। कोई मेरे साथ प्रेम का भाव रखना चाहता है मैं उसके साथ प्रेम का भाव रखता हूँ। कोई मेरे साथ बिजनेस डीलिंग जैसा भाव करता है उसके साथ मैं उसी तरह से बिजनेस डीलिंग तक ही रखता हूँ। और कोई मुझसे युद्ध करना चाहता है उसके साथ भगवान युद्ध भी करते हैं। देखा होगा आपने काफी दैत्यों की इच्छा पूरी करी भगवान ने युद्ध करने की और उनका नाश भी किया। तो हम भगवान से जिस तरह से जो भी मांगेंगे वो हमको प्रदान करेंगे। तो हमको बुद्धिमानी के साथ ये देखना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। तो जब अर्जुन और दुर्योधन भगवान से युद्ध के पहले मिलने जाते हैं, दोनों उनका सपोर्ट लेने जाते हैं, तो दुर्योधन पहले आते हैं और दुर्योधन आके भगवान के चरणों के पास नहीं जाते, वो भगवान के सिर के पास जाते हैं। मतलब इतना घमंड उनको रहता है कि मैं उनके चरणों के साइड क्यों जाऊं, मैं जाऊंगा तो सर के पास रहूंगा। और अर्जुन आते हैं तो भगवान के चरणों के पास खड़े हो जाते हैं, भगवान सोते रहते हैं उस टाइम। जब भगवान उठते हैं तो देखते हैं कि अर्जुन और दुर्योधन आए, तो दुर्योधन बोलता है कि भगवान मैं पहले आया हूँ तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, मतलब मैं पहले आपसे मांगूंगा कि मुझे क्या चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि देखिए मैंने तो जब आँख खोली तो मेरा सर इधर था तो मैंने सीधे पैर के साइड अर्जुन को देखा, तो अर्जुन आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा, लेकिन आप ये जान लीजिए कि मैं युद्ध नहीं करने वाला हूँ, मैं युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाने वाला हूँ, तो अब आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो अभी अर्जुन बोलते हैं, अभी उस समय दुर्योधन थोड़ा सा उनको घबराहट होती है कि शायद से अर्जुन नारायणी सेना मांग लेंगे तो इनका तो साइड पक्का हो जाएगा, कृष्ण तो लड़ने ही नहीं वाले हैं तो कृष्ण को मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो लेकिन अर्जुन भगवान से बोलते हैं कि भगवान आप मेरे साथ हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन को भगवान पे बहुत भरोसा रहता है और वैसे भी वो उनका इतना प्रेम रहता है कि उन्हें नारायणी सेना से कुछ मतलब नहीं है, उन्हें भगवान का साथ चाहिए कि आप मेरे साथ चाहिए बस। तो दुर्योधन मनी मन तो बहुत खुश होते हैं कि अरे वाह नारायणी सेना मिल गई है, अब तो मैं और पावरफुल हो गया हूँ। लेकिन सामने सामने बोलते हैं अरे कृष्ण आप मेरे साथ होते तो और अच्छा होता। और उसके बाद तो आप जानते हैं युद्ध में क्या हुआ। तो इस तरह बुद्धिमानी किसने दिखाई? अर्जुन ने दिखाई। इवन जब दुर्योधन वापस शकुनी के पास जाते हैं तो शकुनी उनको चिल्लाते हैं कि तुमने कृष्ण को उनके साइड जाने दिया, लेकिन तब भी दुर्योधन बोलते नहीं कि नारायणी सेना हमसे ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए हमें भगवान से हमेशा बुद्धिमानी से कोई चीज मांगनी चाहिए। एक और कहानी यह है कि एक बार एक राजा रहता है और वो देखना चाहता है कि जनता किस तरह से व्यवहार करती है। तो वो बोलता है कि सब लोगों में ये खबर फैला दो कि राजा का दरबार खुला रहेगा कल
और सब जनता के लिए खुला रहेगा, जो आके जिस चीज पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग आते हैं और काफी भीड़ लग जाती है, लोग धक्का मारते रहते हैं एक दूसरे को और जाके सब कीमती चीजों के ऊपर हाथ रखते रहते हैं कि ये मेरा वो मेरा, लड़ते रहते हैं। एक छोटी सी बच्ची आती है और वो सीधे जाके राजा को पकड़ लेती है, बोलती है कि आप ही मेरे हैं। तो जब उस बच्ची के पास राजा हो गया तो राजा की सारी जो जो भी मूल्यवान वस्तु है वो ऑटोमेटिकली उसको मिल जाएंगी। तो इसी तरह हमको भी बुद्धिमानी से भगवान से मांगना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। अगर हम भगवान से सिर्फ छोटी छोटी चीजों की आशा रखते हैं तो एक तो वो हो गया कि एक बहुत बड़ा ये सब वैसे ही हो गया, जैसे हम हमारा कोई बहुत बड़ा करोड़पति दोस्त है और वो बोलेगा तुमको क्या चाहिए और मैं बोलूँ कि ठीक है 10 रुपये दे दो भाई। इस तरह से भगवान से हम इस तरह से अगर हम व्यवहार रखेंगे तो हमेशा हम नुकसान में रहेंगे। इसलिए बुद्धिमानी से भगवान से हमें प्रेम मांगना चाहिए, भक्ति मांगनी चाहिए, सरेंडर मांगना चाहिए और बाकी चीजें अपने आप फॉलो हो जाएंगी। तो हमारा सत्र आज का ये यही था। तो हमने आज के सत्र में ये देखा कि इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे इतनी सारी चीजें जो भी हैं अपने तरह एक सिस्टमेटिक वे में काम कर रही हैं और इसके पीछे कोई ना कोई एक शक्ति है जो संपूर्ण विश्व को चला रही है। और हमने शास्त्रों के हिसाब से यह देखा कि वो शक्ति कौन है और भगवान के अलग अलग समझ के लेवल क्या है, भगवान को समझने के अलग अलग लेवल क्या है। तो तीन हमने प्रकार देखे। पहला प्रकार था, बताएगा कोई तीन प्रकार क्या थे? हरे कृष्ण। भगवान के तीन अलग अलग स्तर पे समझ के क्या तीन रूप हैं? परमात्मा और भगवान का साक्षात स्वरूप। जी बिल्कुल सही, ब्रह्म परमात्मा। ब्रह्म यानी जो सर्वव्यापी रूप है, इम्पर्सनल फॉर्म, उनको कभी कभी ब्रह्म ज्योति भी कहा जाता है। और दूसरा प्रकार जो है वो है परमात्मा, जो सभी के हृदय में वास है उनका। और तीसरा जो प्रकार है वो है साक्षात भगवान का फॉर्म। भगवान का अर्थ क्या था? छह तरह के ऐश्वर्य बताए गए हैं भगवान के लिए। एक है सबसे सुंदरता यानी ऑल ब्यूटी, उसके बाद है ऑल फेम यानी प्रसिद्धि, उसके अलावा है ऑल नॉलेज यानी ज्ञान, और ऑल रिचेस यानी सबसे धन, सबसे ज्यादा धनवान वो है। ऑल स्ट्रेंथ, भगवान से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। और एक मैं क्या मिस कर रहा हूँ, प्यार। तो ये छह ऐश्वर्य हैं जो असीमित मात्रा में जिसमें हो उसी को भगवान कहा जा सकता है। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से भी कृष्ण में ये सारी चीजें हमने देखा किस तरह से हैं। इसके अलावा हमने इसके पहले हमने देखा था कि किस तरह से भगवान अवतार लेते हैं, भगवान को हम किस तरह से परसीव कर सकते हैं इस दुनिया में, इनडायरेक्टली किस तरह से हम परसीव कर सकते हैं। भगवान के अलग अलग रूपों का हमने विश्लेषण देखा, भगवान ब्रह्म और परमात्मा के रूप में। और भगवान तीन तरह से अवतार लेते हैं, या तो वो अपने स्वयं अवतार में आते हैं, या तो हम आचार्यों को अपनी शक्ति के द्वारा उनको अपनी शक्ति देते हैं और आचार्यों के रूप में अपनी शक्ति को भेजते हैं। और हमने देखा धर्म ग्रंथ के रूप में भी भगवान हमको नॉलेज प्रदान करते हैं। तो भगवान हर तरह से हमको यहाँ से ले जाने के लिए तैयार हैं। तो यह आज का सत्र था। और कल का जो सत्र रहेगा उसमें हम देखेंगे कर्म, सर्च फॉर हैप्पीनेस, और कर्म गुड और बैड, व्हाट यू पुट आउट कम्स बैक टू यू। तो अगला सत्र में हम कर्म के ऊपर देखेंगे किस तरह से कर्म है। कल की मेरे ख्याल से कल हमको जीव देखना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देख के आपको बताऊंगा कि कल हमारा टॉपिक कर्म रहेगा या कल हमारा टॉपिक जीव रहेगा, जहां तक जीव रहेगा। और जीव के बारे में अच्छी तरह से समझना चाहिए। और सर्च फॉर हैप्पीनेस ये भी एक सब्जेक्ट रहेगा कि किस तरह से
हर व्यक्ति खुशी ढूंढ रहा है। आपने कोई व्यक्ति देखा है कि वो बोले कि नहीं मैं दुख ढूंढ रहा हूँ, किस तरह से मुझे और दुख मिल सकता है, मैं ढूंढ रहा हूँ? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। सर्च फॉर हैप्पीनेस क्यों कर रहा है जीवात्मा? क्योंकि जीवात्मा जो शाश्वत रूप से सच्चिदानंद है, वो हमेशा इस वर्ल्ड में भी उस तरह का शाश्वत आनंद ढूंढने का प्रयास करता है। भले ही वो इस जीव में जगत में माया में फंस गया है, लेकिन यहाँ पे भी वो परमानेंट हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करता है, और इसलिए डिसअपॉइंट होता है क्योंकि इस भौतिक जगत में परमानेंट हैप्पीनेस कभी नहीं है। भगवान बोलते हैं दुखालय अशाश्वतम भगवद्गीता में, यानी ये जो दुनिया है ये अशाश्वत है पहले तो, और दुखालय यानी यहाँ पर मिजरीज बहुत ज्यादा है। तो इसके बारे में और डिटेल में हम देखेंगे। तो कल ये दो टॉपिक रहेंगे, सर्च फॉर हैप्पीनेस एंड कर्म, गुड और बैड, व्हाट एवर यू पुट आउट कम्स बैक टू यू, यानी जो भी हम बोएंगे वही हम काटेंगे। तो ये दोनों टॉपिक हम कल देखेंगे, और मेरे ख्याल से फिर परसों हम जीव देखेंगे। तो यहीं पे मैं आज की कथा को विराम दूंगा, और अभी आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आंसर हो या कोई कमेंट हो या कोई फीडबैक हो या करेक्शन हो तो आप बता सकेंगे। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है या आज की कथा के बारे में कुछ फीडबैक या कमेंट या कुछ करेक्शन आप बताना चाहेंगे, सजेशन कोई देना चाहेंगे? प्रभु, पुरुषोत्तम प्रभु, मोहित प्रभु, मनाली माता जी, महेश्वरी माता जी, कुछ भी आप सजेशन देना चाहें या प्रश्न पूछना चाहें, गिरजा माता जी, दीपिका माता जी, संगीता माता जी, सपना माता जी, माता जी, अर्पिता माता जी, सुमन माता जी, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर आज हम कथा को यहीं पे विराम। और जय प्रभु, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरी आवाज आ रही है जी? प्रभु जी आपका पहले तो बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका आज का एक ईश्वर और कृष्णा के ईश्वर के बारे में जानने के लिए जो बताया आपने अलग अलग तरीके से कि भगवान को कैसे हम समझ पाए। दूसरा एक मुझे जानना था कि नॉर्मली जब कि भगवद्गीता तो अभी हम लोग, मैं खुद मतलब अभी तो मैं उसको रीड कर रहा हूँ प्रोग्रेस में, पर अभी तक तो मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि जहाँ पे मैं भगवान को एज अ कृष्णा कहूँ कि नहीं कृष्णा ही भगवान है। तो क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि जब मैं उससे पहले हमारे घर के अंदर जो हमारे देवी देवता है हम उसी को सब कुछ समझते थे, और किसी को तो जैसे कि भगवान सिंह जी है और भगवान गणेश जी है या फिर अलग अलग देवी देवता भी हैं जैसे कि अंबे माँ है या कालिका माँ है, या तो ये बहुत सारे लेयर्स हैं जो हम क्या करते हैं सबको हम समझते हैं भगवान सभी 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 हमारे लिए भगवान है।
इस भगवत गीता को जब हम जब देखते हैं तो उसमें भगवान कृष्ण को ही सर्वोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को एस्टेब्लिश करता है। और आज हमने अपने अलग अलग श्लोकों से और कृष्ण भागवतम से और भगवत गीता से बताया कि भगवान सबसे भगवान कृष्ण ही सब सब कुछ है और उसके नीचे ही सारे देवता आते हैं। तो पर क्या तो कि हमारी जो मति होती है बहुत ही सब धुंधली है। उस धुंधली इवन तो मैं आज हमने मैंने ये पढ़ा पर इसको कैसे प्रैक्टिकल धीरे धीरे लिया जाए हमारे जीवन में तो उसके बारे में तो बताएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब इवन मैं भी भक्ति में आया तब मेरे भी यही सब जो आपने बताया ये सब चीजें मुझे भी प्रैक्टिकली ये सब चीजें होती हैं। तो लेकिन जैसे जैसे हम स्पेशली भागवतम श्रीमद् भागवतम जब पढ़ते हैं हम तो भगवद गीता जब आप पढ़ेंगे तो भगवद गीता इज लाइक ए रूल बुक राइट। इट्स अ रूल बुक। ये जो चीजें हैं ऐसा ऐसा करना चाहिए इस तरह से भगवान ने बताया। श्रीमद् भागवतम है जो उसमें भगवान की अलग अलग लीलाओं की चर्चा है। इट्स लाइक ए जर्नल क्या क्या हुआ कैसे कैसे हुआ उसमें स्टोरीज हैं अलग अलग। और जब हम भगवान की लीलाओं की चर्चा सुनते हैं श्रवणम बहुत जरूरी है। जब तक हमारा श्रवण नहीं है और कीर्तन दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है श्रवणम कीर्तन स्मरणम। जब प्रहलाद महाराज नवदा व्यक्ति के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले तीन चीजों का नाम लेते हैं। नवदा व्यक्ति सब चीजें इंपॉर्टेंट है नवदा व्यक्ति में जो नौ चीजें हैं लेकिन तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम। ये तीन चीजें जब हमारा होने लगता है तब हमको क्लैरिटी अपने आप आती जाती है। तो हमको कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता उस क्लैरिटी के लिए अपने आप ही भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो यानी भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। तो भगवान अंदर से प्रेरणा प्रदान करते हैं जब वो एक भक्त की सिंसियरिटी देखते हैं कि ये मुझे जानने का प्रयास कर रहा है। भगवान उसके जीवन में गुरु भेज देते हैं भगवान उसके जीवन में इस तरह की स्थितियां भेज देते हैं कि वो भगवान को अच्छी तरह से जान सके। तो आप अभी जप करते हैं क्या प्रभु? हाँ रूम में जप करता हूँ 16 माला का जप करता हूँ। 16 माला का जप करते हैं। तो जप एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है इसके अलावा श्रवण और कीर्तन ये दो चीजें बहुत है। तो अगर आप थोड़ा सा देर के लिए कीर्तन भी कर सकें फैमिली के साथ में शाम के टाइम जब भी आप सबको 5-10 मिनट के लिए फ्री हो कीर्तन करिए डेली और श्रवण रखिए। श्रवण से बहुत इफेक्ट होता है। जब भगवतम में भगवान की अलग अलग लीलाएं सुनने को मिलती है तो ऑटोमेटिक हमारे हृदय में वो शुद्धता आती जाती है और फिर ऑटोमेटिकली ये सब जो चीजें हमारे मन में चल रही होती है वो और ज्यादा क्लैरिटी हमको मिलती रहती है। तो इसीलिए ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है क्योंकि देखिए पहले से भी हमारी कंडीशनिंग हमारे बचपन से है राइट। तो जब बचपन से हम लगभग इतने साल तक हम जो चीजों को फॉलो करते आए हैं और अब हमको शास्त्रों का जब अध्ययन करते हैं तब तो हमको पता चलता है कि हाँ क्या चीज सही है क्या चीज क्या है तो उसको अपनाने में थोड़ा टाइम लगता है हमको। ये बिल्कुल सही बात है लेकिन आप इसको कंटिन्यू करते रहिए इन तीन चीजों को जो मैंने बताया। भक्ति में बोला जाता है ABCD और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ABCD में बताता हूँ आपको। पहला है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज नहीं रहे तो बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं। तो आपके पास में जो भी भक्त हैं उनसे आप मिलते रहिए बात करते रहिए उनसे आप क्वेश्चन करते रहिए तो वो आपको और ज्यादा क्लैरिटी दे सकते हैं सब्जेक्ट पे। और बी यानी बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है जैसे आप पढ़ी रहे हैं ऑलरेडी भगवद गीता। सी यानी चैंटिंग आप कर रहे हैं। और चौथी चीज वो है एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो है डाइट किस तरह से आप भोजन लेते हैं। तो भोजन में ज्यादा से ज्यादा आप भगवान को भोग लगा के भोजन करिए भगवान को खाना चढ़ाइए भगवान का जो प्रसाद है प्रसाद का क्या मतलब होता है एक कृपा। तो भगवान का प्रसाद खाइए उसमें से बहुत हमारे जो क्लैरिटी बढ़ जाती है और एक समर्पण भाव आता है भगवान के प्रति। तो ये सब आप कर सकते हैं और इसके थ्रू मुझे विश्वास है आपका जो भी मन में जो चल रहा है वो सब आसानी से ठीक हो जाए। हरे कृष्णा। क्या आपके सवाल का उत्तर मिल पाया? मुझे लगता है बहुत धन्यवाद आपके बहुत अच्छे से बताया कि कैसे हम लोग कैसे हमें अपनी इस आध्यात्मिक स्थिति को मैं सुधार सकता हूँ धीरे धीरे करके
और अलग अलग जो साथ में बताया आपने एबीसीडी और ये स्ट्रगल जो है सबके साथ चलता रहता है तो के साथ होता है। मैं भी जब अपने आध्यात्मिक लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन जब हम डिवोटीज के साथ में रहते हैं और ये सब चीजें फॉलो करते हैं तब सब कुछ आसान हो जाता है। एसोसिएशन बहुत जरूरी है प्रभु, तो किसी ना किसी भक्त के साथ आप एसोसिएशन रखिए, बहुत फायदा होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी मुझे एक ये सवाल है मेरा कि जैसे जब जो लोग शिव पुराण पढ़ते हैं, जैसे जो शिव भक्त हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि शिव जी ही सबसे बड़े हैं, आप प्रूफ करो विष्णु जी कैसे बड़े हैं। तो भगवान जी ने तो खुद ही जो भी भगवान की जो भी आप बुक पढ़ोगे उसमें वही भगवान श्रेष्ठ बताए हुए हैं। पुराणों में जनरली ऐसा होता है क्योंकि हर व्यक्ति का कॉन्शियसनेस लेवल एक नहीं होता है, उस हिसाब से ही वेदव्यास ने जब पुराण लिखे तो उन लोगों के लिए भी उनको सनातन धर्म के अंदर ही रखने के लिए जिस लोगों में उनकी श्रद्धा है उनके लिए पुराण लिखे हैं। तो लेकिन आप जब क्रॉस रेफरेंस देखेंगे बहुत सारी जगह पर तो आपको विष्णु भगवान का कृष्ण का सुपरियरिटी का आपको बहुत सारी जगह प्रमाण मिलेगा। आप विष्णु सहस्त्र नाम में देखेंगे जब शिव जी बोलते हैं राम राम रामेति रमे राम मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नमो वरानने, भगवान शिव भी भगवान का है एक एक्सपेंशन है। किस लिए? विनाश करने की शक्ति जो भगवान की है वो जब एक रूप लेती है तो वो शिव रूप में होती है। भगवान शिव भगवान की डिस्ट्रक्शन पावर का एक रूप है। तो भगवान को भागवतम में कहा गया वैष्णवानाम यथा शंभु, यानी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? शंभु में। तो आप जब शास्त्र पढ़ेंगे एक जगह नहीं बहुत सारी जगह पे इस सब का ये आता है। और हमें ये नहीं देखना चाहिए छोटा या बड़ा, ऐसा नहीं देखना चाहिए। जो शिव भक्ति करता है आप उनको ये बोल सकते हैं कि ठीक है आप शिव भक्ति कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप भगवान से हमको भी यही मांगना चाहिए और उनको भी यही मांगना चाहिए कि हमारे लिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो आप हमें दें, ना कि मुझे ये चाहिए भगवान। तो नरसिंह मेहता नाम के एक भक्त की कहानी आती है पुराणों में। तो नरसिंह मेहता शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा शिव का ध्यान करते थे, और शिव ने उनको दर्शन दिए जब, तब नरसिंह मेहता ने क्या मांगा? उन्होंने बोला कि भगवान आपके हिसाब से मेरे लिए जो सबसे अच्छी चीज हो सकती है आप मुझे दें, ये नहीं कि मुझे भगवान एक बहुत बड़ा बंगला दीजिए, महल बना दीजिए और मुझे ये वरदान दीजिए, और नहीं, उन्होंने बोला पहले तो वो वर मांग ही नहीं रहे थे क्योंकि उनको सिर्फ दर्शन चाहिए थे भगवान के। लेकिन जब शिव जी ने इंसिस्ट किया कि नहीं आपको कुछ तो मांगना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपके हिसाब से मुझे जो सबसे अच्छा मेरे लिए वो तो दो। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। तो भगवान शिव के मन में भी सबसे कीमती चीज क्या थी उनके लिए? कृष्ण भक्ति। तो भगवान ने उन्हें प्रदान करी नरसिंह मेहता को, और उसके बाद नरसिंह मेहता बहुत बड़े वैष्णव बने। तो ये सब चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए। शास्त्रों में बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं तो हमें उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए कि ये बड़े हैं या वो बड़े हैं। आप बोलिए ठीक है जो है ठीक है, आप उनकी पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें कि जो आपके लिए सबसे अच्छा वो प्रदान करें। तो शिव उनको, ऐसे बहुत सारे शिव भक्त हैं जो अभी वैष्णव बन गए हैं और वो हमेशा सही ढंग से भगवान से मांगने के कारण ही संभव हो पाता है। तो इसी तरह से हम इसको देख सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। एक ये भी है कि ऐसा कुछ कीर्तन की क्लास होती है? जैसे मैं भजन सुन लेती हूँ फोन पे लगा के, उसके अलावा कोई ऐसा है कि हाँ कुछ लोग साथ में बैठ के कीर्तन कर रहे हो ऑनलाइन पे, ऐसा कुछ है आपका? मंदिर में कीर्तन तो बहुत होते रहते हैं लेकिन उसका जूम क्लास होता है कि नहीं वो मुझे चेक करना पड़ेगा। वैसे घर में काफी लोग करते हैं कीर्तन, हम लोग भी कीर्तन करते हैं लेकिन जूम क्लास पे नहीं करते हैं, मतलब ऐसे सबके लिए तो नहीं करते हैं, मेरे आसपास नहीं है कोई, परिवार के सदस्यों में ही करते हैं। तो आप भी अपने कुछ आसपास में कोई डिवोटी हैं तो उनके साथ में कर सकते हैं, क्योंकि संकीर्तन जब आप करते हैं, एक होता है कीर्तन और एक होता है संकीर्तन। संकीर्तन मीन्स सब लोग मिलके जब कीर्तन करते हैं तो उसका एक अलग ही एक बहुत अच्छा भी लगता है और उसका जो फल है वो भी और ज्यादा रहता है, क्योंकि सब भक्त एक साथ जब जमा होते हैं तो भगवान भी बहुत खुश होते हैं। तो अभी फिलहाल में ऐसा कोई पर्टिकुलर जूम क्लास तो मुझे यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन अगर कुछ मुझे पता चलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा।
अच्छा, संकीर्तन का क्या फल ज्यादा होता है कीर्तन से? हाँ, क्योंकि सारे भक्त एक जगह आते हैं। आप देखेंगे कि आप जब घर में पूजा करते हैं और कभी मंदिर जाते हैं, थोड़ा डिफरेंस फील होता है, क्योंकि मंदिर में एक अलग ही शांति रहती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे भक्त एक साथ रहते हैं, सारे भक्त एक साथ रहते हैं और भगवान की सब मिलके सेवा करते रहते हैं। जो एक सेवा भाव सबका साथ में मिलके आने पर जब होता है, तो वो एक भगवान को भी एक अलग आनंद प्राप्त होता है। और चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन से ज्यादा संकीर्तन को महत्व दिया है। सब वो उनका पूरा एक भजन मंडली लेके भगवान निकल चैतन्य महाप्रभु निकलते थे अपने सारे डिसाइपल्स को लेके, और संकीर्तन करते थे। इस्कॉन में संकीर्तन आप देखेंगे कि संकीर्तन को बहुत महत्व, हम लोग नगर संकीर्तन करते हैं, सब लोग साथ में मिलके जाके पूरे जगह घूमते संकीर्तन करते हैं, तो संकीर्तन का बहुत महत्व है। तो कीर्तन का भी महत्व है, लेकिन अगर आप संकीर्तन कर सके तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। किसी और का कुछ प्रश्न है या कुछ सुझाव? ओके, शायद और कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल के हमारे टॉपिक हमने बताया, एक तो है सर्च फॉर हैप्पीनेस और दूसरा है कर्म। तो ये दोनों को हम देखेंगे, और इसके बाद आगे के दो टॉपिक रहेंगे जीव और काल। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। हरी हरी बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल।